What's up guys? कैसे आप सब लोग? Guys, इस वीडियो में आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे Acer के newly launched Swift 3 सीरीज के लैपटॉप SF314 511 590 LP. Let's see ये लैपटॉप कैसा है, cost wise, performance wise, features wise. पहले बात करेंगे ये लैपटॉप दिखने में कैसा है, आउटलुक कैसा है लैपटॉप का. गाइस काफी लाइट वेट है, इट वेज अराउंड 1.2 केजी, काफी स्लिम है, इट हैज थिकनेस ऑफ अराउंड 15.9 एमएम और मुझे तो काफी स्टाइलिश लगा है. इसकी जो बॉडी है वो फ्लिपकार्ट जो है कि आई बॉट इट फ्रॉम फ्लिपकार्ट, सो फ्लिपकार्ट इज क्लेमिंग इट्स एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम मैग्नीशियम बॉडी, मुझे तो प्लास्टिक की लग रही है. एनीवेज और सिल्वर कलर का है एंड वेरी इजी टू कैरी. अब बात करेंगे इस लैपटॉप के डिस्प्ले की. तो गाइस ये जो है 14 इंच फुल एचडी डिस्प्ले है विद इन प्लेन स्विचिंग टेक्नोलॉजी विच इज नथिंग बट योर एलसीडी स्क्रीन. गाइस एलईडी तो नहीं है बट एलसीडी को जो है एसर ने काफी जो है इम्प्रूव किया है बाय एडिंग इट्स एसर कलर इंटेलिजेंस एंड एसर एक्सा कलर टेक्नोलॉजी. तो मुझे जो इसका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो काफी प्रेजेंट रहा है और इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 16:9 है एंड कलर गैमेट विच एसआरजीबी 100% विच इज नॉर्मल दिस डेज. अब बात करेंगे लैपटॉप पावरफुल कितना है. तो भाई इसके अंदर जो है 11th जनरेशन इंटेल कोर i5 प्रोसेसर है, इट इज अ रैम ऑफ 8GB, SSD of 512GB और ये लैपटॉप के साथ आपको जो है विंडोज 11 आती है साथ में विद 64 बिट्स और इसका जो ग्राफिक्स कार्ड है दैट इज इंटेल आईरिस XE व्हिच इज सो नॉट सुटेबल फॉर यू नो लार्ज और बिग गेम्स और इसका जो क्लॉक स्पीड है व्हिच इज 2.4 GHz इट्स गुड और बैड, विल डिस्कस दिस इन लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. गाइस अब हम बात करेंगे इसकी कनेक्टिविटी की. गाइस फ्रॉम कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर जो है डुअल बैंड वाईफाई 6 है व्हिच गिव्स यू वेरी गुड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस और अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो इसके अंदर एक जो है आपका टाइप सी पोर्ट है, दो इसके अंदर जो है 3.2 जेन 1 पोर्ट है और इसके अंदर एक जो है आपका ये HDMI पोर्ट है और एक जो है आपका हेडफोन जैक है. तो गाइस अब बात करेंगे इसकी बैटरी की. गाइस दिस लैपटॉप हैज लिथियम आयन 4 सेल बैटरी एंड एसर इज क्लेमिंग बैटरी बैकअप ऑफ 16 आवर्स एंड इट आल्सो हैज फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी, सो जस्ट बाय 30 मिनट्स ऑफ चार्ज इट विल गिव यू 4 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ. गाइस अब हम कुछ ऐसे मिसलेनियस फीचर्स की बात करेंगे, उन क्वालिटीज की बात करेंगे जो मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी इस लैपटॉप में इस प्राइस रेंज के अंदर. इस नंबर 1 वेरी फास्ट बूट अप. गाइस ये जो लैपटॉप है बहुत ही जल्दी जो है स्टार्ट हो जाता है और शट डाउन रहता है, नो टाइम वेस्टिंग, आई रियली लाइक दिस इन दिस लैपटॉप. नेक्स्ट है ये जो लैपटॉप है गाइस वो जब हम इसका फ्लैप ओपन करते हैं, अभी ये बंद है और जब मैं इसको ओपन करूंगा तो इसके नीचे दो हिंजेस दिए हुए हैं क्योंकि इस लैपटॉप का जो कीबोर्ड है उसको एलिवेट कर देंगे व्हिच विल गिव यू कंफर्ट व्हाइल टाइपिंग और व्हाइल यूजिंग कीबोर्ड, सो दैट्स स्मॉल फीचर बट आई रियली लाइक इट. नेक्स्ट है गाइस इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर फॉर क्विक एक्सेस. गाइस ये बहुत ही यू नो यूनिक फीचर नहीं है बट इस प्राइस रेंज के अंदर ये भी आ गया है, तो आई रियली लाइक दिस. नेक्स्ट है इसका टच पैड व्हिच इज अ मल्टी जेस्चर सपोर्ट टच पैड, तो बहुत अच्छा है, मैंने इसको यूज किया है, आई थिंक वेरी कंफर्ट. नेक्स्ट है इसका जो अभी है जो पैंडेमिक का टाइम है उसमें क्या हम लोग वीडियो कॉल्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्लासेस जो है स्टूडेंट्स जो है वो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं लैपटॉप में, उसका जो कॉम्बिनेशन है बिल्ट इन डुअल स्पीकर्स का और बिल्ट इन डुअल माइक्रोफोन और दिस 70p HD वेबकैम का बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन है. आपके जो ना कॉस्टली जो लैपटॉप होते हैं वो 1 लाख प्लस के उनको जो है ये कम्प्लीट करता है. आई रियली लाइक दिस फीचर इन दिस लैपटॉप.
स्नैक्स जो एक छोटा सा फीचर है इसमें, बट आई रियली लाइक इसमें एक शॉर्टकट दिया गया स्टॉप पर डिस्प्ले ऑफ के लिए। तो कई बार कहते हैं कि आपकी कोई ऐसी कॉल चल रही है या मीटिंग है या ऐसी आपको सिर्फ सुनना है कुछ देखना नहीं है, तो आप जो है डिस्प्ले ऑफ कर सकते हैं आराम से हेडफोन लगा करके उसको यूज कर सकते हैं। जनरली ये फीचर आपकी जो है कार में स्क्रीन पर रहता है, बट लैपटॉप पे मैंने बहुत कम ऐसा देखा है। और नेक्स्ट है इसका फिंगर फाइन टिप बैकलाइट कीबोर्ड। तो इसका जो कीबोर्ड है मुझे बहुत ही कोजी सा और काफी कंफर्टेबल लगा, और जब ये नाइट में जब आप इसका जो बैकलाइट जब आप इसको ऑन करेंगे तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस लग लगता है ब्लैक इस पे जो है फॉन्ट्स है, और लाइट चलने के बाद तो नाइट में जब आप यूज करेंगे तो बहुत ही आपको जो है सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा देखने में। दीज आर सम फीचर्स विच आई रियली रियली लाइक। Now I will talk about some miscellaneous features or qualities which I personally don't like in this laptop. Number one, heat rejection. Guys, heat rejection में जो airways जो इन्होंने top पर दिए हुए हैं, which I personally don't feel it's a robust design. It should be on the sideways or on this side, but not on the top. Number two, इसका जो touchpad है, guys, इसके अंदर left और right जो click है, वो जो है common है. Common means उनमें separation नहीं है. It should have a separation. I have a feeling कि प्लास्टिक की मुझे बॉडी लग रही है, हो सकता है कुछ टाइम के बाद जो है वो खराब हो जाए। I just doubt. It should be separate. Number three, इसकी जो क्लॉक स्पीड है, it should be 3 GHz. I don't feel that 2.5 GHz is sufficient from my perspective. Guys, अब हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। It will cost you around 60,000, 60K. और ये आप जो है ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी ले सकते हैं। गाइस एसर ने जो है इस लैपटॉप की जो मार्केटिंग या ब्रांडिंग जो की है गाइस वो करी है मल्टीटास्किंग लैपटॉप, और आई फील दैट दिस लैपटॉप इज रियली अ मल्टीटास्कर। इफ यू आर प्लानिंग टू रिप्लेस योर ओल्ड लैपटॉप और लुकिंग फॉर ए गुड लैपटॉप इन बैलेंस ऑफ यू नो प्राइस एंड परफॉर्मेंस, आई थिंक दिस इज नॉट एट ऑल अ बैड चॉइस। Guys, हम अपना वीडियो यहीं पर कंक्लूड करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, लेट्स डिस्कस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।